वैसे एक बात कहूँ, तुम ना एक नहायत ही खुदगर्ज इंसान हो और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। इनफ इनफ से मिल, बार बार मुझे खुदगर्ज कह के अपनी खुदगर्जी मत दिखाओ। और नफरत तो तुम्हें उस शख्स से होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की जान गई, लेकिन उससे तो तुम बड़ा प्यार जताती हो। शट अप शट अप, मैं किससे किस तरह बिहेव करती हूं दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन लिसन टू मी, मैं किसके सीने में गोली उतारता हूं दैट शुड बी नन ऑफ योर बिजनेस। सयाम, सयाम, कहाँ रहे तुम सारी रात? बोलो, कोई वाली वारिस नहीं है तुम्हारा? मैं इस वक्त बहुत थका हूँ पर किसी भी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं। यहाँ जैसे देखो अपनी मर्जी कर रहे, किसी को दूसरे की परवाह नहीं है। आखिर बताओ तो तुम्हें मसला क्या है? मुझे नींद बहुत आ रही और मैं सोना चाहता हूँ। मैंने सारी रात जाकर तुम्हारा इंतजार किया और तुम ये फजूल बहाने बना रहे हो। फॉर गॉड सेक खाला जान, अब आप इतनी भी अनजान नहीं है कि आपको मेरी परेशानी का सबब मालूम ना हो। अंदाजा है मुझे, लेकिन जिस तरह से तुम फरार हो रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? आप एक काम कीजिए, आप जमील से पूछ लीजिए और जब सुन ले तो मुझे भी बता दीजिएगा। अब मैं जाऊं? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे बाबा, बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, बैठिए तो सही। अब बैठिए बाबा, बैठिए प्लीज। कुछ बताओ बेटा, तुमने देखा नहीं कौन था वो? जो भी हो पता चल जाएगा। जो भी था, तुमने उसे देखा नहीं? ये जरूर उस अनाया के। ओहो बाबा, क्या हो गया आपको, आप ऐसा क्यों सोच रहे? ये भी तो हो सकता है कि किसी गलत फहमी की बिना पर ये हुआ हो, पर वैसे भी आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। दुआएं बेटा मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ है, लेकिन ये अचानक। जी जी मुनीर साहब, कैसे हैं आप? मुनीर साहब, आपके होते हुए मेरे बेटे पर कोई कातलाना हमला कर जाए, क्या फायदा मुझे आपकी दोस्ती का? जी जी आज ही। ओए मासी, तेरी जमानत आ गई है। ओए मासी, तेरी जमानत आ गई है। आ ही जाएगी जमानत मेरी। तुम सब देखना, आ जाएगी मेरी जमानत, तुम सब देखना। क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? क्या हो गया तुम्हें? दोनों को ही मैंने पाला और मैं दोनों को ही समझ नहीं। तो ये कि मैं इन दोनों को कभी एक साथ खुश नहीं देख पाऊंगी। यही सोच सोच कर हलकान हो रही। किस्मत में यही लिखा था,
तुम खामखा क्यों सोच सोच कर निकाल रही हो? इससे बुरी खबर भी है, सकी और भाईजान की उस वक्त क्या हालत होगी जब सिमल और रुमान बस बेटा शायद मेरे नसीब ही मेरे दुश्मन हो गए, वरना हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं कि वो जान लेने कोई आ जाए। हाँ अगर कोई हो सकता है तो वो रोमान की पहली बीवी अनाया हो सकती है, लेकिन उसके बारे में भी कोई अच्छी खबर नहीं है, पागल हो गई है वो, गलियों में मारी मारी फिरती है बेआसरा। मैंने तो कभी उसे भी बदवा नहीं। बस बेटा अल्लाह उसकी खताएं भी माफ करे और हमारी भी। ओके बेटा खुदा हाफिज। श्याम पागल हो क्या, इतना धुआं क्यों फैलाया हुआ है? खालों को जाके बताऊं? बैठो। यू मैड? कहां थे सारी रात? क्यों पूछ रही हो? क्या नहीं पूछ सकती? पूछो। कहाँ थे? बस यूं ही सड़कों पे घूम रहा था। क्यों? हेलो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है जमील, बस दुख हुआ अपने अरमान टूटने का। मैंने तुमसे यूं ही बहुत सी उम्मीदें बांध दी। Actually, it was my fault. और गुस्सा मैं तुम पे निकाल रहा था। नहीं, actually, I'm sorry, Sayam. Sayam, मैंने कभी तुम्हें एक दोस्त के अलावा कुछ चाहती तो नहीं थी, लेकिन मैंने जाने अनजाने में तुम्हें दुख तो दिया है, उसके लिए I'm really sorry। खैर छोड़ो उन बातों को, अभी किस्सा तमाम हुआ, खत्म हुई कहानी। खैर छोड़ो कोई और बात करते हैं। एनीवेज आज से हम फिर से वही पुराने वाले दोस्त बन जाते, लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर मान जाएंगे और मनाकर खुद रूठ जाएंगे। ठीक है सर? व्हाट? अच्छा ओके बाय। जिमल, लो आ गया तुम्हारा बुलावा। हाय जालिम समाज,
आते हैं। सिमल, आई नीड यू बैडली, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज आ जाओ। सिमर, हेलो। हाँ आतिया, नंबर तो सेंड करो रुमान का। मैं वही ट्राई कर रही हूँ, अंकल का सेल फोन ऑफ जा रहा है और मेरे पास रुमान का नंबर नहीं है, मुझे अंकल से ही लेना पड़ेगा ना। तो होता ना तो पहले ही सेव कर लेती, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी भी यही सिचुएशन है। अच्छा एक काम करो, तुम रुमान के फादर का नंबर सेंड करो मुझे। हाँ वो मैं तुम्हें अभी टेक्स्ट कर देती हूँ। ओके मेरी बाय। बाय। देखा ही नहीं सया, हैरत है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अरे दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और तुम बातों पे लावे। साफ कहो कि मैं तुम्हें कबूल नहीं। तो तुम भी एक बात सुन लो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। नफरत तो तुम्हें उस शख्स से होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की जान गई, लेकिन उससे तो तुम बड़ा प्यार जताती हो। मैं किससे किस तरह बिहेव करती हूँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ सयाम? कुछ नहीं खाला जान, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा तुम जितना सोचोगे उतनी ही तकलीफ होगी, उतना ही उलझोगे। वो बात नहीं खाला जान, ज़मीर वो समझती है कि रुमान पे कातिलाना हमला मैंने करवाया। क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? आप जाके सभी आपा से पूछो, उन्हीं के सामने उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। ओ, इस लड़के को क्या होता जा रहा है आजकल? खैर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उससे पूछूंगी। हट करती है ये भी। नहीं खाला जान, आप उसे और मुझे अपने अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं वापस जाने का सोच रहा हूँ। ये सिमल ने कहा?
और सफिया ने उसे रोका नहीं? सफिया को तो इस बात का पता भी नहीं है, और मैंने उसे इसलिए भी नहीं बताया कि पहला वजह दुख होगा। ये ज़मील कहाँ गई है? वो रुमान के घर गई है उसकी तबीयत जानने के लिए। रुमान के घर? आप लोगों ने रोका नहीं उसे? चलो, कोई तो बहाना हुआ जो तुम मुझे मिलने आ गई। शुक्र है तुम खैरियत से। मेरी तो जान ही निकल गई थी जब डॉक्टर अत्या ने मुझे बताया था। खैर कौन था, किसने गोली चलाई थी? था कोई। छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम कैसी हो? किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ना? हाँ। क्यों? हो सकता है उसका अगला हमला शायद मेरी जान ही ले ले। अल्लाह ना करे। मैं जानती हूँ वो कौन है। तुम कैसे जानती? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम ईशान को जानती हो? तुमसे कब मिला वो? ईशान तो कौन है? तो मतलब कोई और भी है जो मेरी जान का दुश्मन है? मतलब? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तो अफसोस ही इस बात का है कि ज़मील जानती ही नहीं कि वो क्या कर रही है। उसे शायद अंदाजा ही नहीं हो रहा कि वो गलत डायरेक्शन पे है। मुझे अभी सबिया ने बताया कि वो सयाम से लड़ रही थी। वैसे उसे रुमान के घर नहीं जाना चाहिए था। वैसे भी वो जिस पर्पस के लिए यहां आई थी वो तो पूरा हो गया है। सो आई गेस अब हमें वापस चले जाना चाहिए। क्यों भी उसकी स्टडीज का बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा है। हाँ, यही बेहतर है। अभिया की अचानक मौत ने हमें और ज़मील को कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वो वापस उसी माहौल में चली जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी। उसे अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। वैसे भी अगर रुमान पर किसी ने गोली चलाई है तो उससे हमारा और ज़मील का क्या ताल्लुक? वो शख्स ही ऐसा है कि उसके तो हजारों दुश्मन होंगे। दरअसल मैं परेशान इतनी हो गई थी। फिर सयाम ने भी तो ऐसी बात की तो मेरा दिमाग तो फौरन सयाम पे ही गया। कोई बात नहीं, तुम जाके सयाम से माफ़ी मांग लेना। और वैसे भी वो तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर दूँगा। तुम कैसे कह सकते हो ये बात कि वो मुझे पसंद करता? यार हर कोई देख सकता है। तुमने देखा नहीं उस दिन वो मुझसे कैसे उलझ रहा था कि ये तुम्हारी बिया नहीं मेरी ज़मील है? नहीं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो एक दोस्त है। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा लड़का है। और अच्छी बात है कि वो तुम्हारा दोस्त है। एक लाइफ पार्टनर को दोस्ती होना चाहिए। प्रॉब्लम तो वहाँ होती है जब लाइफ पार्टनर एक दूसरे को एक दूसरे की प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, जैसे मैं अभिया को समझने लग रहा था। देखो आज मैं उसे खो चुका हूँ। लेकिन प्यार में ऐसा होना भी चाहिए। नहीं ज़मील, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान में और एक उसके पालतू जानवर में बहुत फर्क होता है। हम एक इंसान से उसकी परवाज, उसके रंग, उसकी ख्वाहिशात नहीं छीन सकते। बड़े मजे से हम कोई परिंदा पालते हैं, उसको पिंजरे में कैद कर लेते हैं, और जब तक अपना दिल चाहता है उसकी रंग, उसकी दिलकशी से खुश होते हैं और
कभी कभी वो परिंदा पिंजरे में ही अपने दम तोड़ देता, एक इंसान और एक जानवर में बहुत फर्क होता है। जो सलूक जानवरों के साथ करना भी बुरा है, वो हम एक इंसान के साथ कैसे कर सकते और कैसे कर देते। मैंने अपनी अबिया के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, और वो भी एक परिंदे की तरह पिंजरे में ही दम तोड़ के। ऐसी ही आजादी दे रखी थी तुमने उसे वहां भी, घर का वहां भी होश नहीं था उसे। एक्चुअली मुझे लगता है सिमल रुमान को पसंद करने लगी है। क्या, ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई भयानक ख्वाब है, तुम नहीं जानती अबिया का कातिल है वो। आप भी रुमान को अबिया का कातिल समझती हैं? मेरी फूल जैसी बच्ची का उस दरिंदा सिफत इंसान ने जो हाल किया था, तुम्हें नहीं मालूम उसने किस किस तरह तड़पाया है मेरी अबिया को। हैरत है कि सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे तुमसे नफरत नहीं हो रही, जबकि मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। ये दरअसल पछतावा है, क्योंकि तुम भी आज बहुत मोहब्बत करते थे। करता था नहीं, करता हूं उससे मोहब्बत। हाँ शायद इसीलिए, एटलीस्ट तुम्हें इस बात का अंदाजा तो है कि तुमने उसे अपने पिंजरे में बंद करके बहुत बड़ी गलती की। शायद इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना मैं तो ये सोच के रुकी थी कि अपनी बहन के कातिल को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हेलो हेलो ज़िमल, कहाँ हो तुम, घर क्यों नहीं आ रही? जी जी मैं बस आ रही हूँ, निकल रही हूँ। जल्दी से आओ। Have to go. इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती सयाम। आपको लग रहा है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, whereas this is the right time to leave. तुम अकेले जाओगे? मेरी भी टिकट बुक करवा दो। खाला जान, हो सकता है आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत हो। मैंने मशवरा नहीं मांगा, जितना कहा है बस उतना सुनो। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। शट अप, इस तरह तो बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, भाईजान को जकिया को समझाना मुश्किल हो जाएगा। हम एक ही बार एक साथ यहां से जाएंगे। और ज़मीर, व्हाट अबाउट हर, क्या वो जाएगी हमारे साथ? तुम्हें हमें इससे मतलब नहीं है, वो अब अपने फैसले खुद करने लगी है, बड़ी हो गई है ना। मेरे बदले आप मत लीजिए, आपके लिए तो हम दोनों एक ही जैसे हैं ना। तुम समझते हो कि मैं अपने बच्चों से बदला लूंगी सयाम? अगर किसी को बचा ना सके तो उसे डूबते हुए भी ना देखे, यही सोचकर जाना चाह रही। क्या लगता है वो तुम्हारा, क्यों गई थी तुम्हारा?
और वो भी बगैर पूछे? बगैर पूछे नहीं गई थी माँ, पापा ने खुद मुझे ड्राइवर के साथ भेजा था उसके पास। देखो जमल, रुमान से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है, यहाँ की अपनी वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज माँ? वो वैल्यूज जिस पे आपने बिया को कुर्बान कर दिए। हमने बिया को कुर्बान नहीं किया, उसकी शादी उसकी अपनी मर्जी से हुई थी। अब ये तो नसीब की बात है कि रुमान वो नहीं निकला जो वो दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है, रुमान भी पछतावे की आग में चल रहा है, उसको भी उतना ही अफसोस है जितना हमें। ठीक है, उसे अफसोस है, मगर अबिया को मारा गया या उसने खुदकुशी की, अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सी वापस आ जाएगी? और जमल, मैं तो कहती हूँ कि तुम वापस चली जाओ और अपनी तालीम मुकम्मल करो। एक सेमेस्टर तो मेरा ज़ाया हो गया, दूसरे सेमेस्टर में भी टाइम है। इसका मतलब है कि तुम वापस जाना नहीं चाहती। तो आप क्या मुझे भेज देना चाहती हैं? हाँ, ताकि तुम इन हिमाकतों के चक्कर से निकल सको। कौन सी हिमाकत माँ? जमल, माँ हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम्हारे दिल की हालत है तुम्हारी आंखों से पढ़ सकती हूँ, लेकिन अब हमें कोई और सदमा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। लेकिन मैं... देखो जमल, अब मुझसे बहस मत करना। इस बात की बहुत खुशी है बेटा कि सिमल तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आई। शायद इसलिए तुम्हारे चेहरे पे आज बड़ी रौनक है। अच्छी लड़की है वो। अच्छा हुआ मैंने उससे बात कर ली, दिल का बोझ हल्का हो गया। कहते कि अगर अपना दुख शेयर करो तो दुख का एहसास कम हो जाता है। हाँ, इसमें क्या शक है, दुख बांटने से कम होते हैं और खुशियां बांटने से ज्यादा होती। कैसा मुमकिन नहीं है कि जिमल की जगह अबिया हो? प्लीज बाबा स्टॉप इट, अबिया की जगह कोई नहीं ले सकता। पर आप मुझे बताएं, जिमल क्या सोचेगी? तुमने ये सोचा कि तुम्हारे जख्मी होने का सुनकर जिमल क्यों दौड़ी चली आई? इसलिए कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। देखो, सच को जुटलाने से वो झूठ नहीं बन जाता बेटा। जिमल हूबहू अबीहा की तस्वीर है। तुम चाहो या न चाहो, उसे देखकर तुम अबीहा के साथ होते। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप से सवाल करके देखो बेटा, तुम्हारा दिल भी वही कहेगा जो मैं कहता हूं। लेकिन तुम शायद दिल की आवाज नहीं सुन रहे। लकिया, ये बच्चे क्यों नहीं आए? भाई साहब, ना जिमल को भूखे और ना सयाम को, दोनों अपने अपने कमरों में कैद हैं। किसी ने कुछ कहा है? जब भूख लगेगी तो खा लेंगे, आप तो खाइए। मगर मैं पता तो करूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज बैठें, आप शुरू करें, इनको भूख लगेगी वो खा लेंगे, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। फिर भी पूछूं तो सही मैं जाकर? आप खाना तो खा लीजिए। जिमल हूबहू अबीहा की तस्वीर है।
तुम चाहो या न चाहो उसे देखकर तुम अभिया के साथ होते। तुम शायद दिल की आवाज नहीं सुन रहे। सिमर, तुमने सयाम पर जो इल्जाम लगाया ना उसके लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए बगैर किसी हिचकिचाहट के। जी वाकई गलती तो है मेरी, वाकई ज्यादती तो की है मैंने उसके साथ, लेकिन उसके सामने जाते हुए बहुत डर लग रहा है। शुक्र है तुम्हें किसी का तो डर हुआ। अच्छा ये बताएं उसका मूड कैसे है अभी? सुबह से अपने कमरे में बंद है, कुछ खाया पिया भी नहीं। कमाल है, नाराज मुझसे सजा अपने आप को दे रहे। जाओ तुम खुद जाके मनाओ उसे। मैंने सुना था तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने भी इनकार कर दिया। ठीक कह रहे हो, जहर नहीं मिला के लेकर आई उसमें मैं। तुम्हारी बातें जहर से कम है क्या? वाओ, जिमल तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। भाई इनके तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे, जब से कह रही हूँ खाना खा लो लेकिन कह रहा है कि नहीं खा लाएंगे तो अपने हाथ से खिलाएंगे। अब संभालिए आप इसे। काश पिया, काश तुम्हारा रुमान उस वक्त इतना मैच्योर हो जाता जब तुम मेरे साथ थी। काश मुझे जिंदगी की इतनी समझ होती। काश तुम जिमल की तरह मुझे समझ पाती, मुझे संभाल लेती। पापा कहते हैं कि मैं मान जाऊं कि मैं जिमल से मोहब्बत करता। कैसे मान जाऊं पापा, कैसे मान जाऊं ये हकीकत जो मैं खुद से छुपाना चाहता हूं। करता हूं मैं मोहब्बत जिमल से इसलिए कि वो बिया का बिल्कुल वो रूप है जिस बिया से मैंने मोहब्बत की थी। लेकिन उसे कैसे कहूंगा, उससे ये सब कैसे कहूंगा। कम इन। असल सर, सर आपको इतने दिनों के बाद ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे काम था आपसे। जी सर, हुक्म करें। मम्मी की आखिरी फ्लाइट आप ही ने बुक कराई थी ना?
आखिरी फ्लाइट। जी सर, जी सर, मुझे उनका नंबर चाहिए। उनका नंबर? देखिए अफजल साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके पास मम्मी का नंबर है। आप प्लीज़ उनका नंबर मुझे दे दें, आपका नाम बीच में नहीं आएगा। नंबर? आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। थैंक यू सर। नंबर ऑफ क्यों आ रहा है? कहीं अफजल ने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया? गई तसल्ली तुम्हारी? अभी तो भाई साहब जिंदा हैं। खाला, पता चल गया है उनको कि तुम अब रुमान को चाहने लगी हो। हम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रुमान से मोहब्बत करने लगी हूँ? सुन लो ज़िमर, तुम अगर अपने बाप को मार के जाना चाहो तो ऐसा कर लो। बाबा, मुझे आपकी तजवीज पसंद आई। कौन सी तजवीज? मैं ज़िमल की बात कर रहा हूँ, मुझे ज़िमल पसंद है। वैसे एक बात कहूं, तुम ना एक नहायत ही खुदफर्ज इंसान हो और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। इनफ इनफ से मिल, बार बार मुझे खुदगर्ज कह के अपनी खुदगर्जी मत दिखाओ। और नफरत तो तुम्हें उस शख्स से होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की जान गई, लेकिन उससे तो तुम बड़ा प्यार जताती हो। शट अप। मैं किससे किस तरह बिहेव करती हूं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन लिसन टू मी, मैं किसके सीने में गोली उतारता हूँ, दैट शुड बी नन ऑफ योर बिजनेस। सयाम, सयाम,
उठा रहे तुम सारी रात? बोलो, कोई वाली वारिस नहीं है तुम्हारा? मैं इस वक्त बहुत थका हूँ, पर किसी भी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं। यहाँ जैसे देखो अपनी मर्जी कर रहा है, किसी को दूसरे की परवाह नहीं है। आखिर बताओ तो तुम्हें मसला क्या है? मुझे नींद बहुत आ रही और मैं सोना चाहता हूँ। मैंने सारी रात जाकर तुम्हारा इंतजार किया और तुम ये फजूल बहाने बना रहे हो। फॉर गॉड सेक खाला जान, अब आप इतनी भी अनजान नहीं है कि आपको मेरी परेशानी का सबब मालूम ना हो। अंदाजा है मुझे, लेकिन जिस तरह से तुम फरार हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? आप एक काम कीजिए, आप जमील से पूछ लीजिए और जब सुन ले तो मुझे भी बता दीजिएगा। अब मैं जाऊं? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे बाबा, बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, बैठिए तो सही। अब बैठिए बाबा, बैठिए प्लीज। कुछ बताओ बेटा, तुमने देखा नहीं कौन था वो? जो भी हो पता चल जाएगा। जो भी था, तुमने उसे देखा नहीं? ये जरूर उस अनाया के। ओहो बाबा, क्या हो गया आपको, आप ऐसा क्यों सोच रहे? ये भी तो हो सकता है कि किसी गलत फहमी की बिना पर ये हुआ हो। पर वैसे भी आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। दुआएं बेटा मेरी, दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ है, लेकिन ये अचानक। जी जी मुनीर साहब, कैसे हैं आप? मुनीर साहब, आपके होते हुए मेरे बेटे पर कोई कातलाना हमला कर जाए, क्या फायदा मुझे आपकी दोस्ती का? जी जी, आज ही। ओए मासी, तेरी जमानत आ गई है। ओए मासी, तेरी जमानत आ गई है। आ ही जाएगी जमानत मेरी। तुम सब देखना, आ जाएगी मेरी जमानत, तुम सब देखना। क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? क्या हो गया तुम्हें? दोनों को ही मैंने पाला और मैं दोनों को ही समझ नहीं। तो ये कि मैं इन दोनों को कभी एक साथ खुश नहीं देख पाऊंगी। ये सोच सोच कर हलकान हो रही। किस्मत में यही लिखा था, तुम खामखा क्यों सोच सोच कर हलकान हो रही? इससे बुरी खबर भी है, सखी और भाईजान की उस वक्त क्या हालत होगी जब सिमल और रुमान। बस बेटा, शायद मेरे नसीब ही मेरे दुश्मन हो गए, वरना हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं कि वो जान लेने को ही आ जाए। हाँ, अगर कोई हो सकता है तो वो रोमान की पहली बीवी अनाया हो सकती है, लेकिन उसके बारे में भी कोई अच्छी खबर नहीं है, पागल हो गई है वो।
गलियों में मारी मारी फिरती है बेआसरा। मैंने तो कभी उसे भी बदवा नहीं। हंस बेटा, अल्लाह उसकी खताएं भी माफ करे और हमारी भी। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। श्याम, पागल हो क्या? इतना धुआं क्यों फैलाया हुआ है? खालों को जाके बताऊं? बैठो। यू मैड? कहां थे सारी रात? क्यों पूछ रही हो? क्या नहीं पूछ सकती? पूछो। कहाँ थे? बस यूं ही सड़कों पे घूम रहा था। क्यों? हेलो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है जमील, बस दुख हुआ अपने अरमान टूटने का। मैंने तुमसे यूं ही बहुत सी उम्मीदें बांध दी। Actually, it was my fault. और गुस्सा मैं तुम पे निकाल रहा था। नहीं, actually, I'm sorry, Sayam. Sayam, मैंने कभी तुम्हें एक दोस्त के अलावा कुछ चाहती तो नहीं थी, लेकिन मैंने जाने अनजाने में तुम्हें दुख तो दिया है, उसके लिए I'm really sorry। खैर, छोड़ो उन बातों को, अभी किस्सा तमाम हुआ, खत्म हुई कहानी। खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। एनीवेज, आज से हम फिर से वही पुराने वाले दोस्त बन जाते, लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर मान जाएंगे और मनाकर खुद रूठ जाएंगे। ठीक है सैम? व्हाट? अच्छा, ओके, बाय। जिमल, लो आ गया तुम्हारा बुलावा। हाय जालिम समाज, आते जिमल, आई नीड यू बैडली, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज आ जाओ।
जमर। हेलो। हाँ आतिया, नंबर तो सेंड करो रुमान का। मैं वही ट्राई कर रही हूँ, अंकल का सेल फोन ऑफ जा रहा है और मेरे पास रुमान का नंबर नहीं है, मुझे अंकल से ही लेना पड़ेगा ना। पता होता ना तो पहले ही सेव कर लेती, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी भी यही सिचुएशन है। अच्छा एक काम करो, तुम रुमान के फादर का नंबर सेंड करो मुझे। हाँ वो मैं तुम्हें अभी टेक्स्ट कर देती हूँ। ओके मेरे बाय। देखा ही नहीं सयाम, हैरत है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अरे दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और तुम बातों पे लावे। साफ कहो कि मैं तुम्हें कबूल नहीं। तो तुम भी एक बात सुन लो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। नफरत तो तुम्हें उस शख्स से होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की जान गई, लेकिन उससे तो तुम बड़ा प्यार जताती हो। मैं किससे किस तरह बिहेव करती हूँ दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ सयाम? कुछ नहीं खाला जान, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा तुम जितना सोचोगे उतनी ही तकलीफ होगी, उतना ही उलझोगे। वो बात नहीं खाला जान, ज़मीर वो समझती है कि रुमान पे कातिलाना हमला मैंने करवाया। क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? आप जाके सभी आपा से पूछो, उन्हीं के सामने उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। ओहो, इस लड़की को क्या होता जा रहा है आजकल। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उससे पूछूंगी। हट करती है ये भी नहीं खाला जाए, आप उसे और मुझे अपने अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं वापस जाने का सोच रहा हूं। ये सिमल ने कहा और सफिया ने उसे रोका नहीं। सफिया को तो इस बात का पता भी नहीं है और मैंने उसे इसलिए भी नहीं बताया कि पहला वजह दुख होगा। ये सिमल कहाँ गई है? वो रुमान के घर गई है उसकी तबीयत जानने के लिए। रुमान के घर? आप लोगों ने रोका नहीं उसे? चलो कोई तो बहाना हुआ जो तुम मुझे मिलने आ गई। शुक्र है तुम खैरियत से हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी जब डॉक्टर अत्या ने मुझे बताया था। खैर कौन था, किसने गोली चलाई थी? था कोई, छोड़ो अपनी सुनाओ तुम कैसी हो? किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ।
हाँ क्यों? हो सकता है उसका अगला हमला शायद मेरी जान ही ले ले। अल्लाह ना करे। मैं जानती हूँ वो कौन है। तुम कैसे जानती? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम ईशान को जानती हो? तुमसे कब मिला वो? ईशान? वो कौन है? तो मतलब कोई और भी है जो मेरी जान का दुश्मन है? मतलब? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तो अफसोस ही इस बात का है कि जिमल जानती ही नहीं कि वो क्या कर रही है। उसे शायद अंदाजा ही नहीं हो रहा कि वो गलत डायरेक्शन पे है। मुझे अभी सबिया ने बताया कि वो सयाम से लड़ रही थी। वैसे उसे रुमान के घर नहीं जाना चाहिए था। वैसे भी वो जिस पर्पस के लिए यहाँ आई थी वो तो पूरा हो गया है। सो आई गेस अब हमें वापस चले जाना चाहिए। यूं भी उसकी स्टडीज का बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा है। हाँ यही बेहतर है। अभिया की अचानक मौत ने हमें और जिमल को कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वो वापस उसी माहौल में चली जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी। उसे अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। वैसे भी अगर रुमान पर किसी ने गोली चलाई है तो उससे हमारा और जिमल का क्या ताल्लुक? वो शख्स ही ऐसा है कि उसके तो हजारों दुश्मन होंगे। दरअसल मैं परेशान इतनी हो गई थी। सयाम ने भी तो ऐसी बात की तो मेरा दिमाग तो फौरन सयाम पे ही गया। कोई बात नहीं, तुम जाके सयाम से माफी मांग लेना। और वैसे भी वो तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम्हें जरूर माफ कर देगा। तुम कैसे कह सकते हो ये बात कि वो मुझे पसंद करता? यार हर कोई देख सकता है। तुमने देखा नहीं उस दिन वो मुझसे कैसे उलझ रहा था कि ये तुम्हारी बिया नहीं मेरी जिमल है? नहीं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो एक दोस्त है। बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत अच्छा लड़का है। और अच्छी बात है कि वो तुम्हारा दोस्त है। एक लाइफ पार्टनर को दोस्ती होना चाहिए। प्रॉब्लम तो वहाँ होती है जब लाइफ पार्टनर एक दूसरे को एक दूसरे की प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, जैसे मैं अभिया को समझने लग रहा था। देखो आज मैं उसे खो चुका हूँ। लेकिन प्यार में ऐसा होना भी चाहिए। नहीं जिमल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान में और एक उसके पालतू जानवर में बहुत फर्क होता है। हम एक इंसान से उसकी परवाज, उसके रंग, उसकी ख्वाहिशात नहीं छीन सकते। बड़े मजे से हम कोई परिंदा पालते हैं, उसको पिंजरे में कैद कर लेते हैं और जब तक अपना दिल चाहता है उसकी रंग, उसकी दिलकशी से खुश होते हैं। और कभी कभी वो परिंदा पिंजरे में ही अपने दम तोड़ देता है। एक इंसान और एक जानवर में बहुत फर्क होता है। जो सलूक जानवरों के साथ करना भी बुरा है, वो हम एक इंसान के साथ कैसे कर सकते हैं? और कैसे कर देते? मैंने अपनी अभिया के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। और वो भी एक परिंदे की तरह पिंजरे में ही दम तोड़ के। ऐसी ही आजादी दे रखी थी तुमने उसे वहां भी। घर का वहां भी होश नहीं था उसे। एक्चुअली मुझे लगता है सिमल रुमान को पसंद करने लगी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई भयानक ख्वाब है। तुम नहीं जानती अभिया का कातिल है वो। आप भी रुमान को अभिया का कातिल समझती हैं? मेरी फूल जैसी बच्ची का उस दरिंदा सिफत इंसान ने जो हाल किया था, तुम्हें नहीं मालूम उसने किस किस तरह तड़पाया है मेरी अभिया को।
हैरत है कि सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे तुमसे नफरत नहीं हो रही, जबकि मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। ये दरअसल पछतावा है, क्योंकि तुम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। करता था नहीं, करता हूं उससे मोहब्बत। हाँ शायद इसीलिए, एटलीस्ट तुम्हें इस बात का अंदाजा तो है कि तुमने उसे अपने पिंजरे में बंद करके बहुत बड़ी गलती की। शायद इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना मैं तो ये सोच के रुकी थी कि अपनी बहन के कातिल